नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल में आप सबका फिर से एक बार स्वागत है। जैसे कि स्क्रीन पे देख पा रहे हो 31,100 का कॉल हमने तीन लॉट शॉर्ट किए। हो सकता है मैं आगे और भी लॉट शॉर्ट कर दो। मेरा इसका जो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस है वो 10 पॉइंट का ही है। तो अभी तक आपने हमारे टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुए, वहाँ पे जाके आप हमारे साथ जुड़ सकते हो। डेली बेसिस पे वहाँ पे फ्री कॉल प्रोवाइड करते हो। तो देख सकते हैं MTM में अभी 400-500 का प्रॉफिट चल रहा है। इसके बाद मैं बड़े स्क्रीन के ऊपर लेके जाऊंगा, वहाँ पे बाकी सारी चीज़ें समझाने की कोशिश करूंगा। उसमें हम चार्ट एनालिसिस सीखेंगे और बहुत सारी लॉजिक की चीज़ें मैं बताने की कोशिश करूंगा। एक्चुअली दोस्तों, मैं स्काल्पिंग का ट्रेड आज लिया हूँ। उसमें मैंने बताया कि हर बार आपको 20-30 पॉइंट का स्टॉप लॉस और 20-30 पॉइंट का टारगेट रहता है। उसमें भी मैं रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो फॉलो करता हूँ। देख सकते हैं वहाँ पर 339 का मैंने ट्रेडिंग एसएल लगाया है, 10 पॉइंट का ही मेरा स्टॉप लॉस है। तो वीडियो को हो सकता है मैं यहाँ से पॉज करूँ और बाद में मैं बड़ी स्क्रीन में आपको सारी चीज़ें समझा दूँ। तो वीडियो में एंड तक बनी रहिए, तभी आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाएगी। दोस्तों देख सकते हो अभी भी फिलहाल 335-200 का प्रॉफिट चल रहा है। तो चलिए मैं यहाँ पे वीडियो को थोड़ा सा पॉज कर देता हूँ, मैं बड़ी स्क्रीन में जाके आपको बाकी सारी चीज़ें एक्सप्लेन करने की। देख सकते हो दोस्तों, हम बड़ी स्क्रीन के ऊपर आ चुके हैं। MTM में दिख रहा होगा आपको 2200 के आसपास लगभग हमने प्रॉफिट बुक किया है। एक बार स्क्रीन रिफ्रेश करके दिखा देता हूँ आपको। तो आज का ट्रेड लेने का जो लॉजिक था वो लॉजिक भी सबसे पहले एक्सप्लेन करूंगा। उससे पहले मैं आपको दिखा देता हूँ, कुछ ऑर्डर्स भी दिखा देता हूँ इस ट्रेड की। ये सारे ऑर्डर्स है इस ट्रेड के, मैं दिखाता हूँ आपको एक सेकंड। ये देख सकते हैं यहाँ पे मैं कंप्लीटेड ऑर्डर दिखा रहा हूँ। आपको लगेगा कि मैंने बहुत सारे ट्रेड लिए दोस्तों, लेकिन इसमें से बहुत सारे ऑर्डर रिजेक्ट हो चुके थे, कैंसिल भी हो चुके हैं। और ऑर्डर हमेशा ऑप्शन सेलिंग करते हो तो स्प्लिट हो जाते हैं, उसी के कारण बहुत ज्यादा नंबर दिख रहा है। लेकिन मैंने 4 या 5 ही ट्रेड लिए थे, उसमें मेरा स्टॉप लॉस 10 पॉइंट का रहता है और टारगेट मेरा मैक्सिमम 30-40 पॉइंट का रहता है। तो जो आखिरी ट्रेड अभी देख रहे थे आप, तीन लॉट जो मैंने शॉर्ट किए थे, वो उसका ट्रेलिंग एसएल 339 का था, वो ये ट्रेड है। देख सकते हो यहाँ पे ट्रेलिंग एसएल हिट हुआ था। उसके बाद मैंने 4 लॉट शॉर्ट किए थे और उसका एसएल मैंने 5 पॉइंट ही कर रखा था। 407 की मेरे एवरेज सेलिंग प्राइस थी। देख सकते हो मैं यहाँ पे दिखाता हूँ, 406 या 7 के आसपास मेरी और एवरेज सेलिंग प्राइस थी। और मेरा एसएल था, वो था मेरा एसएल लगभग 413 के आसपास, 5 पॉइंट का एसएल था। और उसके बाद हमने बाय किया उसको लगभग 378 के आसपास, तो उसमें 2000 का प्रॉफिट हमें मिल चुका है। तो मैं आपको दिखा भी देता हूँ आज का। सबसे पहले मैं टाइम और डेट आपके साथ शेयर कर देता हूँ दोस्तों। देख सकते हो अभी 2:15 हो चुके हैं और 29 December आज का डेट है। उसी के साथ मैं हमारा टेलीग्राम चैनल दिखा देता हूँ। ये देख सकते हो 29 December सुबह 9:02 पे हमने कॉल दिया था, लूपिन सेल करने के लिए दिया था और HDFC लाइव बाइक करने के लिए दिया था, जिसमें लुपिन सेल में जो हमारे सारे टारगेट अचीव हो चुके थे, लेकिन HDFC लाइव में हमारा एक SL हिट हुआ था। कोई दिक्कत नहीं दोस्तों, SL 5-6 पॉइंट का हिट हुआ था, लेकिन हमारा लुपिन में जो टारगेट मिला था मोर देन 10 या 12 पॉइंट का हमें टारगेट उसमें मिल चुका था दोस्तों। तो चलिए मैं आज क्यों कॉल ही शॉर्ट करने के ऊपर था, क्यों मैंने पुट शॉर्ट नहीं किया, उसका थोड़ा लॉजिक एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा। वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सपोर्ट कीजिए दोस्तों, तभी आने वाले टाइम में अच्छे अच्छे वीडियो आपके लिए बना सकेंगे। दोस्तों ये टाइम आपको पता होगा जब मार्केट में 1200 पॉइंट का फॉल आया था, ये एक दिन में 1200 पॉइंट का फॉल आया था। उसके बाद देख सकते हो मार्केट थोड़ा ऊपर जाने की कोशिश की, हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि मार्केट यहाँ से नीचे चला जाए, लेकिन मार्केट ने वैसा नहीं किया दोस्तों। मार्केट ने क्या किया दोस्तों, अपना जहाँ से वो डाउन फॉल आया था उसको भी ब्रेक करके ऊपर चला गया। लेकिन एक चीज़ समझने की बात यहाँ पे, एक चीज़ नोटिस करने लायक है मैं जो आपको दिखा दूंगा। देख सकते हो यहाँ पे क्या हुआ था दोस्तों, एक गैप अप ओपनिंग मिली थी, उसके बाद गैप अप ओपनिंग मिली। लगातार 3 दिन अगर गैप अप मार्केट में गैप अप ओपनिंग हो रहा है तो कॉल साइड के जो प्रीमियम होते हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। और 2 दिन के बाद एक्सपायरी आने वाली है, और ये प्रीमियम कैसे बढ़ते हैं, उसका थीटा डेल्टा और गामा जो भी कुछ चीज़ें, ये सारी चीज़ें मैं अपने क्लासेस में एक्सप्लेन करता हूँ। ये चीज़ें मैं अभी 4-5 मिनट में एक्सप्लेन नहीं कर सकता हूँ। तो अभी क्या हो रहा है फिलहाल दोस्तों मार्केट में, ये जो देख रहे हो ये सारी पुट राइटिंग हो रही है, मतलब बेस निकल के आ रहा है, यहाँ पे एक बेस निकल के आ रहा है, यहाँ पे एक निकल के आ रहा है और यहाँ पे एक निकल के आ रहा है। लेकिन अभी मार्केट यहाँ पे रेजिस्टेंस फेस कर रहा है दोस्तों। सुबह एक बार ट्राई किया था 30,200 क्रॉस करने का, लेकिन किया नहीं, सेकेंड टाइम कर रहा है। और अभी देखिए मार्केट के पास लगभग 1-1.5 घंटा ही बचा है, तो हो सकता है यहाँ से एक ब्रेकआउट मिल जाए, क्योंकि निफ्टी ने ऑल टाइम हाई अपना टच कर लिया है, 13,900+ तो उसके ऊपर ट्रेड कर रहा है। तो ये सारी चीज़ें थी, इसलिए मैं कॉल शॉर्टिंग के ऊपर बैठा था। अगर मार्केट यहाँ से थोड़ा सा ऊपर जाके प्राइस एक्शन बना के नीचे आता तो मुझे बहुत बढ़िया प्रॉफिट मिल जाता, लेकिन वैसा हुआ नहीं। इस कंसल्टेशन जोन में हमने अपना जो प्रॉफिट था वो बुक कर लिया और आज के ट्रेड हमने खत्म कर दिया दोस्तों। तो मैंने लॉजिक भी बता दिया कि क्यों मैं कॉल सेलिंग के ऊपर बैठा था, क्योंकि 3-4 दिन से मार्केट गैप अप होके ऊपर जा रहा है दोस्तों। तो ये था आज का वीडियो। वीडियो के एंड तक देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए दोस्तों। धन्यवाद।